बॉलीवुड में ऐसी कई सारी जोड़ियां हैं जो शादी से पहले ही लिव इन में रह चुकी हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने मां बनने के लिए शादी का इंतजार तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा अपने खूबसूरत जोड़ी को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में दोनों ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर दोबारा से शादी की, लेकिन आपको बता दें कि इस कपल ने शादी से पहले ही प्रेगनेंसी को स्वीकार कर लिया था और शादी के कुछ वक्त बाद ही नताशा ने अपने बेटे अगस्त्या को जन्म दे दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है कल्कि कुचलिन का। बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा मानी जाती है और उनकी खूबसूरती को भी हर कोई पसंद करता है। बता दें कि उन्होंने बिना शादी किए ही बच्चे को जन्म दे दिया है। इसी के साथ में एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप के साथ तलाक लेने के बाद में बॉयफ्रेंड गाय हर्षवर्ग के साथ अपने बेटे को जन्म दिया है। अर्जुन रामपाल और उनकी पत्नी गैब्रियला भी बिना शादी किए माता पिता बन गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल का तलाक तब तक फाइनल नहीं हो पाया था और इसी कारण से उन दोनों की शादी भी नहीं हो पाई थी। इस लिस्ट में अगला नाम है इट्स हर चॉइस वाली नेहा धूपिया का। जानी मानी एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से शादी की। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपनी शादी काफी जल्दबाजी में की थी और इसके कुछ ही समय बाद एक्ट्रेस की बेबी बम्प नजर आने लगा था। नेहा धूपिया ने भी इंटरव्यू में अपनी शादी से पहले प्रेगनेंसी की बात कबूली है। बंगाली ब्यूटी नुसरत जहां ने अपने बॉयफ्रेंड यश दास गुप्ता के बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त उनकी परिस्थितियां काफी ज्यादा अलग थीं। एक तरफ तो एक्ट्रेस ने निखिल जैन के साथ तुर्की में सात फेरे लिए, तो दूसरी तरफ वह अब यश दास गुप्ता के साथ अपने परिवार को पूरा कर चुकी हैं। बॉयफ्रेंड को शादी से पहले ही पापा बनाने वाली इन हसीनाओं पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।